लाल किले की प्राचीर से प्रतिवर्ष तिरंगा झंडा भारत के राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है, लेकिन इस बार चल रहे किसानों के आंदोलन के चलते तिरंगा झंडा फहराना सरकार को भारी पड़ सकता है। वहीं पलवल के एनएच 19 स्थित अटोहा चौक पर 43 दिनों से बैठे किसान आंदोलन जारी है, जहां किसान नेता रविंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को खुश होना चाहिए कि देश भर का लाखों किसान इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किला परिसर में किसानों की समृद्धि का प्रतीक ट्रैक्टर को लेकर तिरंगे झंडे को सलामी देगा। ऐसे में सरकार आखिर क्यों घबरा रही है? देश का किसान दिल्ली पहुंच रहा है, क्या देश के किसान को अपने राष्ट्र ध्वज को सलामी देने का अधिकार नहीं है? उन्होंने कहा कि किसान संकल्पबद्ध है और इस बार देश के महापुरुषों का नारा जय जवान और जय किसान को लाल किला परिसर में साक्षात सार्थक करने का एक अनोखा दृश्य पूरा देश देखेगा। सरकार को तो सम्मान के साथ हमें बुलाना चाहिए, क्योंकि नारा इस देश में चलता है जय जवान जय किसान, तो एक लाइन दे दे जवानों को, एक लाइन दे दे किसानों का। एक में जवानों के तोप और राइफल की रैली निकलेगी, दूसरे लाइन में किसानों का ट्रैक्टर निकलेगा। तो सबसे कम जो नारा देश के अंदर चलता है जय जवान जय किसान का, वो देश में दिखना भी चाहिए, और इससे तो देश की और महानता बढ़ेगी कि आज जवान और किसान दोनों राजपथ पर चल रहे हैं। 26 तारीख को जो गणतंत्र दिवस है उसके लिए दिल्ली में प्रवेश करना है, उसकी तैयारियों भी चल रही हैं। सरकार ने आंदोलन को तार पीड़ो करने के लिए अदालत के माध्यम से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है, जिससे किसान हताश निराश होकर के धरना स्थल को छोड़ करके अपने घर लौट जाएं। पर किसान नेताओं ने उस कमेटी को मानने से इनकार कर दिया है जो कोर्ट ने गठित की है, और उसमें तर्क ये है कि जब आंदोलन के किसी घटक ने सरकार से मांग ही नहीं की थी सीटें देने के लिए या इसकी सुनवाई करने के लिए, तो कोर्ट का हस्तक्षेप बीच में क्यों हुआ? वही किसान नेता स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि 26 तारीख को दिल्ली में प्रवेश करने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने आंदोलन को हटाने के लिए कोर्ट के माध्यम से बहुत बड़ा षड्यंत्र किया, जिससे किसान हताश निराश करके अपने घर चला जाएगा। लेकिन किसान नेताओं ने कमेटी को मानने से इनकार कर दिया है। जब किसी ने भी इस आंदोलन पर कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया तो कोर्ट का हस्तक्षेप क्यों हुआ? पलवल से वी न्यूज के लिए संजय राठौर की रिपोर्ट।